हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय, बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा। स्वागत करता हूँ आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर नंबर 6 ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इन माय लास्ट क्लास आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माय नेक्स्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल टुडे, दैट इज गोल्जी एपरेटस और गोल्जी बॉडी, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी आप इसको कहते हैं, राइट? तो आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम गोल्जी बॉडी टुडे, राइट? तो गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस भी आप इसको बोल देते हैं, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी आप इसको कहते हैं, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, राइट? तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी एपरेटस है, या फिर आप गोल्जी बॉडी भी इसको कहते हैं, राइट? तो इसको गोल्जी इसलिए नाम दिया गया है बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया जिसका नाम था कैमिलो गोल्जी। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी, उन्होंने इसको डिस्कवर किया, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड गोल्जी बॉडीज, राइट? और ये जो गोल्जी बॉडीज होते हैं, दीज आर ऑल्सो, इनकी जो लोकेशन होती है, इनकी लोकेशन भी नियर न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के आसपास ही होती है, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होती है। इनके फंक्शन, इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ये भी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर्स की बात करूं, सबसे पहले मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है, देखिए, ध्यान दीजिए, राइट? गोल्जी बॉडीज के अंदर दो फेस होते हैं। हाउ मेनी फेसेस आर देयर? देयर आर टू फेसेस ऑफ गोल्जी बॉडीज, यू कैन सी, these are the faces of Golgi bodies, you can see, देखिए, there are two faces of Golgi body, right? ये Golgi complex है या Golgi body है, इसके दो faces आपको नजर आ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, this is somewhat convex shape, तो convex face बोलते हैं आप इसको, राइट? इसको आप सिस फेस भी कह देते हैं, सिस फेस। इसको आप फॉर्मिंग फेस भी कह देते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज, है ना? कॉन्वेक्स फेस, सिस फेस और फॉर्मिंग फेस। और जो अपोजिट वाला है, ये कनकेव फेस है। कैसा बेटा? ये कनकेव है। इसको आप ट्रांस फेस भी कहते हैं, इसको आप मेच्योरिंग फेस भी कह सकते हैं। So don't be confused, right? ये है। यहां पे इसके जो स्ट्रक्चर हैं, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, तो ये स्ट्रक्चर सिस्टरने की फॉर्म में है, यू कैन सी सिस्टरने, देखिए, इनको आप सिस्टरनी बोलते हैं। और यहां पे इनके बीच में जो स्पेस है, दिस इज इंटर सिस्टरनी स्पेस, इंटर सिस्टरनल स्पेस, राइट? दिस इज द स्ट्रक्चर। समटाइम्स एपरेटस में, गोल्जी एपरेटस में, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस में कुछ आपको राउंड स्ट्रक्चर भी नजर आते हैं, जिनको आप वैक्यूल बोलते हो। तो वैक्यूल की फॉर्म में भी ये प्रेजेंट होते हैं। कोई कभी कभी ये ट्यूब्यूल्स लाइक भी दिखते हैं आपको कहीं कहीं पे, तो ये ट्यूब्यूल लाइक भी होते हैं, राइट? इज दैट क्लियर? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स और द गोल्जी बॉडी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं। तो ये सिस्टरने की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में भी होते हैं, वैक्यूल्स की फॉर्म में भी होते हैं। ये पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। दो फेस होते हैं, एक कन्वेक्स फेस होता है, दूसरा कनकेव होता है। कन्वेक्स फेस को आप सिस फेस और फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, कनकेव फेस को आप ट्रांस फेस और मेच्योरिंग फेस भी कहते हैं। अब ये स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर के बाद इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर। तो यहां पे यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में फेल हो जाता है। तो इसमें ये हो गया स्ट्रक्चर, राइट? अब इसके फंक्शंस हम देखते हैं क्या क्या है, व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो जो मेजर फंक्शंस हैं गोल्जी बॉडीज के, इन मेजर फंक्शंस में क्या क्या होता है, इसका काम होता है पैकेजिंग। ये पैकेजिंग ऑफ मटेरियल का काम करता है, ये रोल है इसका, मटेरियल को पैक करता है। सिक्रीशन का भी काम करता है, हेल्प्स इन
सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन इसमें हेल्प करता है। ये ग्लाइकोसाइलेशन करता है, ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब है ग्लाइकोलिपिड बनाता है, ग्लाइकोलिपिड, अगर लिपिड को ग्लाइकोजन के साथ आप अटैच कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन आप इसे कहते हैं। इसके अलावा ये ग्लाइकोसाइडेशन भी करता है, दिस इज ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइडेशन भी करता है। ग्लाइकोसाइडेशन का मतलब है ग्लाइको प्रोटीन फॉर्मेशन, तो ये ग्लाइको प्रोटीन फॉर्मेशन भी करता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स, प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स राइट, जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है। इवन इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस लाइसोसोम, लाइसोसोम जिसको आप सुसाइडल बैग ऑफ बॉडी कहते हैं दैट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स और द गोल्जी बॉडी। इसकी जो अकरेंस की मैं बात करूं, ये ऑलमोस्ट सभी यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। इन प्लांट सेल्स में इसको क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, डिक्टियोसोम कहा जाता है प्लांट सेल्स में, राइट। एनिमल सेल्स में इनके जो सिस्टर नहीं होते हैं वो एक दूसरे के से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, प्लांट सेल्स में इनकी सिस्टर नहीं फ्री होते हैं और उस केस में इसको डिक्टियोसोम कहा जाता है। फ्री इसका जो करेक्टर है वो है फ्री सिस्टर्नी, फ्री सिस्टर्नी इज द करेक्टर ऑफ दिस, एंड इफ द फ्री सिस्टर्नी आर प्रेजेंट देन यू विल कॉल इट डिक्टियोसोम्स, राइट। नाउ सी अनदर इज व्हाट, ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, प्लांट सेल में इनको डिक्टियोसोम कहते हैं, बट कुछ सेल्स में ये एब्सेंट होता है, जैसे कि आरबीसीज में, मैमेलियन आरबीसीज में गोल्जी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होते हैं, सीव ट्यूब सेल में एब्सेंट होते हैं, इवन प्रोकैरियोटिक सेल में भी एब्सेंट होते हैं। तो दीज आर एब्सेंट इन मैमेलियन आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स जिसको आप बोलते हैं इसमें एब्सेंट होता है। इसके अलावा दिस इज एब्सेंट इन सीव ट्यूब सेल, सीव ट्यूब सेल में भी एब्सेंट होता है, राइट। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये एब्सेंट होता है, ये बात आपको याद रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन स्ट्रक्चर एंड अकरेंस ऑफ गोल्जी बॉडीज और द गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी एपरेटस वी कैन से। तो ये हो गया गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी एपरेटस। इसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लाइसोसोम दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। लाइसोसोम की हम बात करते हैं, सो माय अनदर स्ट्रक्चर ऑफ सेल दैट यू कॉल्ड लाइसोसोम, जिसे आप लाइसोसोम कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, लाइसोसोम की मैं बात कर रहा हूं, तो लाइसोसोम राइट, इसको सुसाइडियल बैग ऑफ बॉडी भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसका, देयर इज अनदर नेम ऑफ दिस सुसाइडियल बैग ऑफ बॉडी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में फ्रेम हो जाता है, इसको सुसाइडियल बैग ऑफ बॉडी कहते हैं, हिंदी में आत्मघाती थैलिया कहते हैं और इंग्लिश में सुसाइडियल बैग ऑफ बॉडी इसको कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर राउंड शेप का होता है, समवॉट वेसिकल इस तरीके से दिखाई देते हैं, है ना। इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, राइट, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू। इस ये जो है कंटेन्स दी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, काफी सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करता है, ठीक है। लाइसोसोम की मैट्रिक्स जो होती है, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ लाइसोसोम, इस मैट्रिक्स ऑफ लाइसोसोम्स में हंड्रेड्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट, राइट, एंड दीज एंजाइम्स हेल्प्स इन डाइजेशन। तो अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, राइट, फंक्शंस में
बिकॉज इट कंटेन्स सो मेनी एंजाइम्स, हंड्रेड्स ऑफ एंजाइम्स. तो इसका जो मेन फंक्शन है, जो मेन रोल है, वो है फैगोसाइटिक एक्शन, यू नो, इनगल्फ द वेस्ट मटेरियल. ये सेल को क्लीन करने का काम करता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको ये डाइजेस्ट कर जाता है. ठीक है, क्लीन द सेल, दिस इज द क्लीनर ऑफ सेल. जितना भी वेस्ट मटेरियल है सबको डाइजेस्ट कर जाता है, जितना भी एक्सेस मटेरियल है सबको डाइजेस्ट कर जाता है. डाइजेशन ऑफ एक्सेस और वेस्ट कंटेंट्स ऑफ सेल, अगर ये नहीं होगा तो आपकी सेल्स में वेस्ट कंटेंट्स बढ़ते जाएंगे, ये इसका प्राइमरी रोल है. इसके अलावा ये ऑटोफेजी को भी शो करता है. किसको? ऑटोफेजी, यानी कि कभी कभी ये पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देता है, कैन डाइजेस्ट द कंप्लीट सेल, होल सेल, सेल ऑर्गेनल्स को भी डाइजेस्ट कर जाता है. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ बॉडी. सो दिस, दीज आर द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस अबाउट लाइसोसोम. दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो दिस इज सुसाइडल बैग ऑफ बॉडी. स्ट्रक्चर राउंड होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, कंटेंट हंड्रेड्स ऑफ एंजाइम्स. These enzymes helps in digestion of wasteful content of the cells. So, this cell को clean करने में भी काम करता है. जितना भी excess या waste content होता है उसको सबको digest कर देता है. और ये autophagy भी show करता है. Autophagy मतलब cells. Cells को digest भी कर जाता है. If cell that dead cell है या damaged cell है या old cell हो चुकी है, किसी काम की नहीं है, तो उसको ये भी digest करने का भी काम करता है. So, this is the lysosome and these are the informations about the lysosome. So my next topic is what? My next topic is vacuole that I'm going to discuss now. So listen carefully about vacuole also. So another topic is vacuole, and you have to understand about vacuole also. Vacuoles की हम बात करते हैं. ध्यान दीजिए please. I'm talking about vacuoles. Vacuoles. Plant cells का कभी कभी 50-70% space vacuoles occupy कर लेते हैं, right? Vacuoles के बहुत सारे function हो सकते हैं. इसका जो primary role है वो है storage. Vacuoles essential pigments को भी store करता है, एक्सिस कंटेंट को भी स्टोर करता है, वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करता है, इवन फूड को भी स्टोर करता है. आर यू गेटिंग ऑन? तो वैक्यूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो हम वैक्यूल की बात कर रहे हैं. मैंने आपको प्लांट सेल में भी वैक्यूल के बारे में बताया था. तो वैक्यूल जो है, राइट, इसकी कोई भी शेप हो सकती है, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, राइट? इन प्लांट सेल occupies up to 50-70% portion. 50-70% portion को ये plant cell में occupy करता है, जिसे आप vacuole कहते हैं, right? इसका जो primary role है वो है storage. Storage is the primary role. अब ये store क्या क्या करता है? It can store what? It can store वेस्ट ऑफ सेल, ठीक है? इट कैन स्टोर फूड, एक्सेस कंटेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म को भी स्टोर कर लेता है, इवन ये पिगमेंट्स तक को भी स्टोर करता है. आपको मैंने एक ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके बताया था प्लांट सेल के अंदर. एक पर्टिकुलर प्लांट सेल है सपोज दैट, और उसके अंदर हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूं, दिस इज द वैक्यूल, दिस इज वैक्यूल. It can occupies 50-70% portion of plant cell. Vacuum is called. Is that clear all of you? Right? यहाँ पे vacuole की जो membrane होती है, membrane of vacuole. Vacuole की membrane को आप tonoplast कहते हैं. This tonoplast, this is the membrane of vacuole. And that is the permeable membrane. This is permeable. This is permeable.
allow the exchange of material between the vacuole and the cytoplasm. Right? ये जो vacuole होता है ये animal cell में या तो absent होता है. If this is present in animal cell, then it will be very small and temporary. And in majority of cases, this is absent in animal cell. So, prokaryotic cell में भी vacuoles होते हैं. In animal cells, vacuoles are absent. Generally, इसको absent लिखा जाता है. But if it is present, then maybe temporary and very small in animal cells. ये mainly plant cells में होते हैं और plant cells से खासकर जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनमें पाए जाते हैं. वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन मेरिस्टमेटिक सेल जो कि एक प्लांट सेल है बट दैट इज टेम्पोरेरी टिश्यू राइट उसमें वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं एंड दिस इज ऑल्सो एब्सेंट इन मेरिस्टमेटिक सेल. तो मेरिस्टमेटिक सेल में भी वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं एंड दीज आर जनरली प्रेजेंट इन यू नो permanent tissues of plant, permanent cells of the plant, उनमें vacuoles present होते हैं. आपने सुना होगा right? एक vacuole के बारे में if you studied about the diagram of amoeba, amoeba का अगर आपने diagram अच्छे से study किया तो उसके अंदर एक contractile vacuole होता है. Contractile vacuole is present, that is present in amoeba. एक वैक्यूल जिसको आप बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. दिस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट इन अमीबा और अमीबा में ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या रोल प्ले करता है. इन अमीबा दिस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्ले वेरी ग्रेट एंड सिग्निफिकेंट रोल इन अमीबा राइट. ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है. क्या काम करता है? ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है balancing of electrolytes and water. तो ये osmoregulation में भी help करता है. amoeba में इसको contractile vacuole कहते हैं. So don't be confused. So this is all about Golgi apparatus, lysosome and vacuoles that I have discussed in this lecture. तो vacuoles जो होते हैं generally plant cells में होते हैं, permanent cells में होते हैं और plant cells का 50-70% तक space occupy करते हैं. एनिमल सेल्स में जनरली एब्सेंट होते हैं बट इफ दीज आर प्रेजेंट देन दीज मे बी टेम्पोरेरी एंड वेरी स्मॉल इन साइज. प्लांट सेल्स में सिर्फ मेरिस्टमेटिक सेल्स में ये नहीं होते हैं राइट. या कोई डेड सेल है उसमें नहीं होगा क्योंकि मेरिस्टमेटिक सेल इज ए टेम्पोरेरी टिश्यू. टेम्पोरेरी टिश्यू में वैक्यूल्स नहीं होते. मेरिस्टमेटिक सेल्स में कोई वैक्यूल नहीं होते. वैक्यूल्स के सेवरल फंक्शन है. एक्सिस कंटेंट को स्टोर कर लेता है, फूड को स्टोर कर लेता है, पिगमेंट्स को स्टोर कर लेता है. ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करता है. उसकी मेम्ब्रेन जो होती है टोनोप्लाज जिसको आप बोलते हो दैट इज परमेबल राइट. एक होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दैट इज प्रेजेंट इन अमीबा. अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है? स्पेशली दैट इज डेडिकेटेड फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो रेगुलेशन के लिए डेडिकेटेड. दिस इज अबाउट वैक्यूल. इसके साथ ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है. इसके बाद हम अगले लेक्चर में मिलते हैं. My next lecture, right, lecture number 7, that I will discuss in my next class. And in lecture 7, I will discuss about which topic? I will discuss about mitochondria, right? So, milte hain agle lecture mein. Tab tak ke liye, thank you very much. Bye-bye, take care.